दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट चैनल में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखिए, शुरू से लेकर अंत तक, समझ गए? इसीलिए आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। अगर नहीं समझ आए तो इस वीडियो को आप हम डिलीट कर देंगे। अगर नहीं समझ आए आपको, आप इसको डिसलाइक कीजिए, समझ गए? अगर आपको समझ आए, शुरू से अंत तक देखिए, समझ आए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए आप ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिए, देखिए आपको कैसे समझ आना, सब समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। कहता है, जब किसी विशेष संख्या को 7, 9, 11 और 15 में से घटाया जाए तो परिणामी संख्या का अनुपात में होती है। घटाए जाने की संख्या ज्ञात कीजिए, घटाए जाने की संख्या ज्ञात कीजिए। तब देखिए क्या करेंगे इसका, देखिए ऑप्शन में ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 5 ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन में है कि 7, 9, 11, 15 घटाए जाने पर 7x, उसके बाद 9x बराबर का है, बराबर इसलिए है में से घटाया परिणामी संख्या का अनुपात बोला है इसलिए। उसके बाद कितना है 11, 11, 15 तो 11, 15 ठीक है। उसके बाद देखिए इसको ऑप्शन थ्रू आप बनाइएगा। जैसे हम लेते हैं ए को लेते हैं तो 1 है तो रखिए 7 में से 1 को घटाइए, 9 में से 1 घटाइए बराबर, 11 में से 1 को घटाइए, 15 में से 1 को घटाइए, कितना बचेगा 6, 8 बराबर 10, उसके बाद 14। इसको अगर आप काटिएगा तो 3 × 6, 4 × 8, 5 × 10, 7 × 14 तो होता है 3/4 बराबर 5/7। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, इसका मतलब बराबर नहीं है। तो बी देखिए निकालिए, बी में 2 रखिए, 7 में से 2, 9 में से 2 बराबर, 11 में से 2 घटाइए और 15 में से 2 घटाइए तो कितना बचता है 5/7। उसके बाद देखिए 9, 13 नहीं कटेगा, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। सी निकालिए, सी में देखिए 7 में से 3 सी को लीजिए, 3 घटाइए, 9 में से 3 घटाइए, 11 में से 3 घटाइए, 15 में से 3 घटाइए, कितना बचता है तो 4 और 6 बराबर, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 12। अब इसको काटिए, देख कटेगा 2 × 2, 3 × 4, 6 × 2, फिर 2 से फिर 3 से क्या बचा 2/3 बराबर 2/3। ये सेम है इसलिए आंसर डायरेक्ट सी होगा, आंसर डायरेक्ट सी होगा, समझ गए? हमको डी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। ऐसा संख्या पर इस विधि का अप्लाई कीजिए, देखिए क्वेश्चन तुरंत बनता है। चलिए आगे क्वेश्चन आगे। 3 संख्या में से पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है और दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली और तीसरी का संख्या का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 संख्या में से पहली दूसरी कितना है 8:9 है। उसके बाद क्या कहा है, दूसरी और तीसरी कितना है 3:4 है, 3:4 है, 3:4 है, तो 1, 2, 3 निकाल लीजिए, 1, 2, 3 निकाल लीजिए।
देखिए एक दो, फिर यहाँ दो है, तो दो है, दो को समान कर लीजिए, दो दो को समान कर लीजिए। अब देखिए यहाँ नौ है, यहाँ तीन है, तो हमको टोटल में तीन से गुणा कीजिए, तब हो जाएगा नौ, दो हो जाएगा नौ, तो भी नौ हो गया। इसलिए तो टोटल को गुणा जब कीजिएगा तो देखिए पहली दूसरी तीसरी, पहली कितना है आठ अनुपात, दूसरी कितना है नौ, यहाँ भी नौ गुना, तीन से गुना कीजिए नौ हो जाएगा, दूसरी तीसरी, तीसरी में गुना कीजिए चार से, तीन चौक बारह। ठीक, उसके बाद क्या कहा, पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है, पहली तीसरी का गुणनफल, गुणनफल कहता है एक्स, एक्स लगाइए, तो एक्स जब लगाइएगा 8x गुना 12x बराबर कितना दिया 2400 गुना कीजिए 12 अठी आठ दुना 16 बाकी एक आठ एक नौ 96 एक्स स्क्वायर बराबर 2400, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2400 बटा 96। अब इसको भाग दीजिए, कितना बार करता है, 2400 को भाग दीजिए आप 96 में, तो दो बारी में 96 का दो बार 6 दुना 12 बाकी एक नौ 18 19 192 आया, 192 आठ 48 हो गया, 96 को 6 5 30 45 48 480 क्या बारी में आया, पांच बारी में, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये कट गया 25 बारी में, एक्स स्क्वायर वाला 25 हो गया, तो एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 5 तो क्या कहता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात, दूसरी संख्या कौन है, 9 है, दूसरी संख्या कहता है, क्या कहता है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या जब कहता है तब देखिए दूसरी संख्या कौन है, ये पहली दूसरी तीसरी, दूसरी है नौ, तो देखिए x बराबर 5 निकला, तो दूसरी संख्या कितना है 9 है, x बराबर कितना निकला 5, 9 5 45, यही होगा आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन, दो संख्या दो अनुपात तीन के अनुपात में है, यदि दो को पहले संख्या में घटाया जाता है और दूसरी संख्या में दो को जोड़ा जाता है तो अनुपात एक अनुपात दो हो जाता है, तो संख्या का योग क्या होगा, संख्या का योग क्या होता है, देखिए क्या कहता है, संख्या कितना है, संख्या दो अनुपात तीन है, दो अनुपात तीन है, तो क्या कहता है, पहले में दो को घटा जाता है, दूसरे में दो को जोड़ा जाता है, देखिए इसको आप एक्स करिए, 3x 2x 3x, तो ये हुआ पहले, पहले में कितना बोला घटाया जाता है दो, दूसरी में जोड़ा जाता है दो, तो अनुपात हो जाता है एक अनुपात दो हो जाता है। देखिए पहली में दो घटाया जाता है, दूसरी में दो जोड़ा जाता है, ऊपर वाला जो हुआ अंश हुआ और नीचे वाला जो हुआ हर हुआ, नीचे वाला क्या हुआ हर। अब देखिए इसको ऐसे गुना कीजिए, इसको ऐसे गुना कीजिए, तब देखिए कैसे गुना, 2 3x बराबर एक है 3x प्लस 2, तो 4x माइनस 4 बराबर 3x प्लस 2, x x को अलग कीजिए और बिना x वाला अलग कीजिए, x देखिए 4x, x इधर माइनस आएगा 3x 2 है, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, घटेगा तो x बचेगा, इधर जुटेगा 6, x बराबर 6 निकल गया, उसके बाद देखिए
संख्या का योग, संख्या का योग कहता है। संख्या योग कितना है, टोटल के जोड़ लीजिए, 2x और 3x हो गया 5x। संख्या का योग, संख्या का योग 5x कितना है, 5x। तो देखिए 5x बराबर 6 30, यही होगा आंसर, 30 हो गया। चलिए आगे आगे क्वेश्चन, तीन संख्या एक बटा दो, दो बटा तीन, तीन बटा चार के अनुपात में है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का बीच का अंतर 36 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए कितना है। संख्या एक बटा दो और दो बटा तीन, तीन बटा चार, सबको एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाला टोटल को एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा। एलसीएम जब लीजिएगा तो कितना लीजिए, जो दो से भी कट जाए, तीन से भी कट जाए, चार से भी कट जाए, उतना एलसीएम लीजिए। हम 12 लेते हैं, 12 तो दो क्या वो 12 आएगा, 6 बारे में 6 को 1 से गुना कीजिए 6 3 का 12 आएगा, 4 बारे में 4 को 2 से गुना कीजिए 8, 4 3 12, 3 बारे में होता है 3 को गुना कीजिए 3 से 9। अब देखिए नीचे वाला एलसीएम कोई वैल्यू नहीं होता है, क्या होता है, होगा 6:8:9, ये ख़त्म, नीचे वाला एलसीएम ख़त्म। उसके बाद क्या कहता है, सबसे छोटी, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 36 है, सबसे बड़ी या सबसे छोटी, सबसे बड़ी सबसे छोटी, सबसे बड़ी सबसे छोटी सबसे बड़ी, उसका अंतर कितना है, देखिए कितना का अंतर है, 3 का अंतर कितना दिया हुआ है, 36, तो 1 = 36/3 कटेगा, 1 3 2 6, 1 = 12 निकला, 1 = 12। तब देखिए क्या कहता है, संख्या निकालिए। तब देखिए क्या कीजिएगा, संख्या जब निकालने के लिए कहता है तब आपको क्या करना पड़ेगा, संख्या टोटल, इसका मतलब संख्या मतलब टोटल निकालिए, टोटल की संख्या निकालिएगा, 6 का भी निकालना है, 8 का भी, 9 का भी, तब देखिए क्या कीजिएगा आप, संख्या 6 का निकालिए, 6 × 12, उसके बाद देखिए 6 × 12 कितना होता है, 12 × 6 = 1 = 6 = 7 = 72 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 × 12, इसको 12 गुना कीजिए 12 को 8 से, 8 × 9 = 16 बाकी 1 × 8 = 9 = 96। उसके बाद देखिए 9 बचा, 9 को 12 से गुना कीजिए, 1 = का है 12 है इसलिए गुना करते सबको, तो 12 × 9 = 9 × 9 = 18 बाकी 1 × 9 = 10, 108 संख्या निकल गया इतना। अब देखिए इतना निकल गया, अनुपात में अगर पूछे तो अनुपात भी आप ऐसे लिख सकते हैं, 72:96/108 कटेगा, काट सकते हैं, नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। चलिए आगे देखिए, इसको आप वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए आगे क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 वृद्धि हुई तो अनुपात 4:5 हो जाता है, संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, बीच का अंतर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, कितना है, 3:4 है संख्या का, संख्या कितना है, 3:4 है, उसके बाद प्रत्येक में 6 वृद्धि हुई तो अनुपात 4:5 हो गया, 4:5 हो गया। तब देखिए वृद्धि होने पर कितना होगा, 4:5 वृद्धि होने पर हुआ, वृद्धि होने पर देखिए
कितना वृद्धि हुआ, 6। उसके बाद देखिए इसमें देखिए कितना वृद्धि हुआ, प्लस एक का। इसमें कितना वृद्धि हुआ, प्लस एक का, प्लस एक का वृद्धि हुआ। अब देखिए जब प्लस एक का वृद्धि हुआ तो अंतर कितना है, अंतर कितना का अंतर, अंतर निकालने को बोला है, अंतर निकालना। तो प्लस एक वृद्धि हुआ तो एक बराबर छः, एक बराबर छः, एक बराबर छः है का वृद्धि हुआ एक का, तो एक का हुआ तो वृद्धि कितना हुआ, एक बराबर सिक्स का। अब देखिए अंतर पूछा है, अंतर हमको एक बराबर छः है का, अंतर कितना का, एक का है। एक का जब है तो छः को एक से गुना करेंगे, छः हो जाएगा। इसलिए इसमें उस संख्या का बीच का अंतर, उस संख्या का बीच का अंतर पूछा है। ऐसे आप बनाइएगा, इस तरीका से बना सकते हैं। और एक तरीका और है, देखिए उस तरीका कौन है, दो संख्या के बीच का अनुपात 3:4, यदि प्रत्येक संख्या में 6 वृद्धि होने पर, 6 वृद्धि होने पर, तब देखिए तो 3x + 6 उसके बाद 4x + 6 वृद्धि होने पर, तब हुआ 4:5 में, तब वृद्धि होने के बाद तो कितना 4:5। ऐसे किए, ये दूसरी विधि है, दूसरी विधि। अब देखिए ऐसे आप गुना कीजिए, ऐसे गुना कीजिए तो 4। अब देखिए 5 को 3 से गुना कीजिए, 15x हो जाएगा, प्लस 5 को 6 से गुना कीजिए, 30 बराबर। 4 को 4 से गुना, 4x से गुना कीजिए, 16x, प्लस 4 को 6 से गुना कीजिए, कितना था, 6×4=24। 24 एक्स को, एक्स को अलग, एक्स वाला एक्स अलग कीजिए, अभिना एक्स को अलग कीजिए। देखिए 15x इधर आएगा तो 16x, 24 उधर जाएगा माइनस में, 30 घटेगा कितना, माइनस एक्स, इसमें घटेगा माइनस 6, कट जाएगा एक्स, एक्स बराबर निकला 6, एक्स बराबर क्या निकला 6। तो क्या कहता है, संख्या का बीच का अंतर, संख्या का बीच का अंतर। अब देखिए संख्या जो हम माने हैं, कितना कितना माने हैं, संख्या कितना है, 3 और 4 है, 3 और, इसका अंतर कितना है, 1 का, अंतर कितना है, 1 का। तो हमको x बराबर 6 निकला है, तो जब अंतर 1 है तो 1 बराबर 6 इस भी तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या 5:7 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर, प्रत्येक को 40 कम करने पर 17:27 के अनुपात में हो जाए तो संख्या का अंतर क्या होगा, संख्या का अंतर क्या होगा। तो संख्या देखिए, संख्या कितना है, 5:7 है, प्रत्येक में 40 कम, प्रत्येक में 40 कम, तो 5x 40 कम बोला, उसके बाद 7x 40 कम, उसके बाद अनुपात कितना, 17:27 हो जाता है, 17:27 हो जाता है। अब गुना कीजिए 27 को 5x गुना कीजिए, 27×5=35, 10×3=13, 135 एक्स माइनस 27×5, तो 27×40 से गुना कीजिए, 27×40 से 28×8=10, 10×80, 10×80। उसके बाद देखिए गुना कीजिए, अब इससे गुना कीजिए, 17 को 7 से गुना कीजिए, 17 को 7 से 47×4=7×3=10=11, 119 हो गया एक्स। उसके बाद देखिए माइनस 17 को 40 से गुना कीजिए, 40 को 17 से गुना कीजिए, 28×4=680। एक्स एक्स को अलग कर लीजिए और संख्या को अलग कर दीजिए, तो 135 एक्स
माइनस 119x बराबर माइनस 680 इधर है प्लस में 1080 माइनस में उधर जाएगा प्लस में 1080। आप घटाइए तो देखिए 119 जब घटेगा इसमें तो कितना बचेगा 135 में 20 15 16 16x। अब देखिए ये है माइनस में ये प्लस में, तो ये माइनस में कम घटा में है, ये प्लस है लाभ में है। तो जब माइनस प्लस में घटेगा, जब माइनस जो है प्लस से घटेगा तो प्लस ही बचेगा, तो 1080 में से 680 घट जाएगा कितना बचेगा, तो बचेगा 400। तो 400 तो एक्स बराबर 400/16। अब इसको काटिए 16 दोनों 32 बटा कितना 8 16 5 80। तो एक्स बराबर 25 निकला, एक्स बराबर 25 निकला। तब देखिए क्या कहता है अनुपात में संख्या का अंतर कितना है, संख्या का अंतर कितना है इसमें, देखिए संख्या का अंतर कितना है, दो का अंतर है तब देखिए दो एक्स बराबर पच्चीस गुना कीजिए 25 × 50 यही होगा आंसर। जितना अंतर है वो लिख लीजिए और जितना x बराबर कितना निकला है उससे गुना कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। चलिए आगे,